हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ए टू जेड सिलाई मशीन में। आज मैं सिंगर का 9900 मशीन उसको अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और देखते हैं उसके अंदर क्या क्या निकलता है और उस मशीन के डेमो के बारे में बताएंगे आपको। मशीन चलाना कैसे है, उसकी स्पीड कितनी है और प्लीज़ वीडियो के आखिर तक बने रहें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये मशीन है सिंगर का 9900। तो अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसमें देखते हैं क्या क्या पार्ट्स निकलते हैं। तो आप लोग को वीडियो के आखिर तक बने रहें। इसके अंदर है इसका मशीन का टाकी है और कुछ इसके अंदर पार्ट्स होंगे। पहले इसको चेक करते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। ये इसका मैनुअल है, बाकी ये भाषा जो चाहना है आपके समझ में तो आने वाले नहीं है। और ये इसका कवर है इसको डस्ट से बचाने के लिए। इसको लोगो भी सिंगर का ही है और इसमें इसका कवर आएगा। ये थ्रेड स्टैंड है धागा लगाने के लिए। ये करीब 400 ml ऑयल रहेगा और इसका ये पैनल है। इसमें टूल्स में क्या क्या दिया हुआ है, एक पैकेट सुई है, मैग्नेट है और दो बॉबिन है, ये ऑयल कैप है, एक स्क्रू ड्राइवर, ये हो गया। और इसमें कुछ इसके टूल्स ये होते हैं जो रबर वगैरह है जो इसमें लगने वाले हैं स्टैंड में, इसका ये हो गया। और ये जो है इसका फिटमैन है बड़ा वाला और इसके साथ में एक ये बड़ा वाला स्क्रू ड्राइवर मिलता है। ये हो गया इतना सामान। और इसका ये है टाकी जिसमें आपको इसमें ऑयल रखा जाएगा। यहाँ तक ऑयल, यहाँ से यहाँ लो तक का ऑयल रहता, पूरा भरा हुआ रहता है। ये इसका टाकी है। अभी पूरा मशीन फिटिंग करेंगे, फिटिंग करने के बाद इसका डेमो भी देंगे कैसे चलाना है। और यहाँ पर ये इसका ये मशीन है, ये देखिए पैकिंग इसकी बहुत बढ़िया आती है कि मतलब टूटने का डर नहीं रहता है। बाकी जो नॉर्मल मशीन होती है उसमें कैसा है टूटने का बहुत डर रहता है, इसमें कैसा है सेफ्टी से आता है मशीन। और ये रही मशीन, अभी चालू नहीं करना है। हाँ, तो ये मशीन हमने बाहर अभी निकाल लिया। और इसमें क्या होता है, ये कंप्यूटराइज मशीन है। ये यहाँ पर पी एस और माइनस प्लस का बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। जो पहले का सिंगर का मशीन इससे पहले मैंने बेचा उसमें ऐसे ये सब प्रिंट वगैरह नहीं था, फिलहाल अभी इसमें नया आने लगा। और इसमें बॉबिन वाइंडर भरने का यहाँ पर लगा हुआ है, एक कटर भी यहाँ पर लगा हुआ है। जैसे कि आपने धागा भरा, धागा भरने के बाद यहाँ जैसे घुमाएंगे तुरंत यहाँ पर धागा कटिंग हो जाएगा। उसके बाद भी यहाँ पर भी एक कटर दिया हुआ है, ये देखिए जैसे आप काम करते हैं ना यहाँ पर, तो इस तरह से घुमाएंगे ऊपर की तरफ तो धागा कट जाएगा। ये इसका डेमो में लाइव दिखाता हूँ चालू करके, इधर से लाओ तो थोड़ा। तो इसको ये यहाँ से ये लगेगा, हमने इसको यहाँ पर ये लगा लिया और अभी हम इसको करेंगे चालू। फिर उसमें देखते हैं कितनी स्पीड है और स्पीड के बारे में बताएंगे, स्टिच कैसा होता है, स्टिच में प्रॉब्लम है और धागा कैसे डालना है, प्रॉब्लम होगा सेटिंग कैसे करना है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो इसके ये बटन है, हमने यहाँ से किया चालू। अब इसमें देखिए क्या क्या लगा हुआ है। ये यहाँ पर सबसे पहले LED बल्ब दिया हुआ है, ठीक है, जिससे आपको मतलब सिलाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ लगा हुआ है, जैसे आप बंद करेंगे ना यहाँ से तो ये बंद हो जाएगा, ये थोड़ा समय बाद बंद होता है, ये तुरंत बंद नहीं होगा। ये बंद हो गया, अभी ये अभी बंद हुआ, अभी हम इसको चालू करते हैं। ये चालू हुआ। तो अब इसकी हम स्पीड के बारे में बात करते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है और इसके साउंड कैसा है। तो अभी यहाँ पर हम ये देखो +370 फुल स्पीड कितनी हो देखते हैं, 100, 110, 120, 125, ये 270, 300, 325, 335, 40, 55, 90, ये 400, ये पूरा इसमें 400 का स्पीड है। और इससे पहले जो हमने ओल्ड मॉडल जो मशीन बेचा, ओल्ड वाला मतलब जुकी का 8900 जो बेचा है, उसमें जो स्पीड बताया 3700 की है। तो मेरे हिसाब से लगभग स्पीड दोनों का सेम है। तो अभी हम इसको चला के देखते हैं इसकी स्पीड कितनी है।
हमने 400 पे स्पीड सेटिंग करके रखा है। ये देखिए ये 400 की स्पीड मशीन चल रही है। ये इसका पैनल है, ये इसका साउंड है। ये हमने 400 पे सेट करके रखा है। अभी हम इसकी स्पीड कम करते हैं। अभी हम 365 पे आपके एस का बटन दबाएंगे, स्पीड से हो जाएगी। ये स्पीड कम हो गई। इसमें क्या होता है, आपके काबिलियत के अनुसार, अगर जो आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए तो आप 400 की स्पीड रख सकते हो, और स्पीड अगर जो आपको कम चाहिए नॉर्मल कम से कम स्पीड में आपको दिखाई देता हूँ। इसके अंदर जो होती है जो नॉर्मल जो बिगनर्स होते हैं सीखने के लिए ना, उनके लिए स्पीड जो है 190 पकड़ लीजिए। मैं 190 कर रहा हूँ इसमें अभी, और 190 की स्पीड देखते कितनी है। ये देखिए एकदम स्लोली स्लोली चले गए, मतलब जो बिगनर्स हैं सीखने वाले उनके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको स्पीड नहीं जम रहा है तो आप स्लो करके भी मशीन आप चला सकते हो, इसको ऑपरेट कर सकते हो। और बाकी इसका धागा डालने के लिए, तो भैया हम मशीन फिटिंग हो रहा है हमारा, मशीन फिटिंग होने के बाद में इसका पूरा डेमो जो है मशीन को स्टैंड ऊपर ही बताएंगे। तो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो के आखिर तक बने ही रहना है। और ये चीज़ जो होती है ना, इसकी आपको स्टेज छोटा बड़ा करने के लिए होता है। आपको जितना छोटा बड़ा चाहिए आप इसको घुमाओगे तो यहाँ से घुमाओगे स्टेज आपका बड़ा होएगा। और ये रिवर्स फॉरवर्ड के लिए बड़े दिया रहता है। तो बाकी का जो काम है ना, हम आपको स्टैंड के ऊपर दिखाएंगे, तो आपके वीडियो तक बने रहना है। तो सबसे पहले आपको धागा डालने के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे 3 पिन लगा हुआ है, 3 पिन 3 होल का पिन है। इसमें से आप कहीं से भी धागा डालो, इधर हो गया, और ये टेंशन थाली है। यहाँ पर आपको यहाँ से ऐसा लेना है, ये स्प्रिंग के अंदर यहाँ से आपको इस तरह से राउंड कर देना है, इस एल रॉड के नीचे कर देना है, और उसके बाद में आपको टेकअप लीवर में डालना है ये, फिर आप नीचे सुई में डाल सकते हो यहाँ से। और भी स्पीड कितना इसका है, ये 200 का स्पीड है, 220। ये सेव किया, अभी सेव हो गई, ये 220 की स्पीड है। अभी आपको स्पीड बढ़ाना है यहाँ से, तो आपको ये हो गया 300 पे आपको सेव करना है। ये 300 का इतना स्पीड आएगा ये, और ये रिवर्स फॉरवर्ड है यहाँ से। का स्पीड चेक करते हैं, 400 में कितना स्पीड चल रही है, 95, 400 पे सेव किया है, ये इसकी फुल स्पीड है। ये सिलाई भी बढ़िया आ रही है इसका।